बीबी की चिट्ठियां हमने यहां डाली है, जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले और फिर फैसला करे कि हमें आजादी किसने दिलाई। 70 साल तुमने झूठ बोल लिया है। हमें बोला जाता है हमें अहिंसा से आजादी मिली, हमने रिसर्च करी है और हम चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज। सारे ये जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कोर्ट हिस्टोरियंस को आपने हमसे डिबेट करनी है, आपने सच जानना है। एक एक अंग्रेजों की चिट्ठी हम यहां ले आए हैं, एक एक चिट्ठी अंग्रेजों की जो साबित करती है वेवल वाइकाउंट वेवल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल लॉकिनले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया पैट्रिक लॉरेंस तमाम गवर्नर्स डायरेक्टर आईबी की चिट्ठियां हमने यहां डाली है। जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले और फिर फैसला करे कि हमें आजादी किसने दिलाई। 70 साल तुमने झूठ बोल लिया है, लेकिन तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। सत्य में एक बहुत इनकन्वीनियंट आदत है, वो निकलता है 70 साल बाद, 100 साल बाद आप उसे दबा नहीं सकते। देवी और सज्जनों, आज हम नेताजी के सिपाहियों को राजपथ पे लाए हैं, राजपथ पे। और अगला साल हमारा निवेदन है इस सरकार को कि नेताजी का स्टैचू राजपथ पे लगाइए, जहां जॉर्ज 5 के पुतला था, और वो स्थान रिक्त है, वो स्थान खाली है, वो स्थान नेताजी का है, वो स्थान नेताजी को दीजिए। यू विल हैव टू गिव इट टू नेताजी, इट बिलोंग्स टू नेताजी, वी विल सी दैट ही गेट्स देयर। हम देखेंगे भारत के लोग आपको नेताजी को जॉर्ज 5 की कैनोपी के नीचे लगाना होगा, क्योंकि असली लिबरेटर आजाद करने वाला नेताजी के सिवाय दूसरा कोई नहीं।